जैकलिन फर्नांडिस और नौरा फतेही ही नहीं, महाठग सुकेश चंद्रशेखर के टारगेट पर थी बॉलीवुड की कई बड़ी हसीनाएं। सारा अली खान से लेकर जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर पर भी महाठग ने थे लाखों रुपयों के तोहफे लुटाए। जी हाँ, कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने सिर्फ जैकलीन और नौरा फतेही ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दो बड़े घरानों की खूबसूरत बेटियों सारा अली खान और जानवी कपूर पर भी महंगे तोहफों का जाल फेंका था। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने भूमि पेडनेकर से भी संपर्क साधा था। जैसा कि सब जानते हैं कि अब तक इस हाई प्रोफाइल केस में कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन इस बार केस से जुड़ी जो सनसनीखेज खबर सामने आई है उसने बॉलीवुड में सनसनी मचा दी है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि कौन मैन सुकेश चंद्रशेखर, नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाने के बाद भी नहीं रुका था, बल्कि उसके टारगेट पर पटौदी के नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, बोनी कपूर, श्रीदेवी की लाडली जाह्नवी कपूर और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी थी। महाठग ने इन तीनों ही अभिनेत्रियों को अपने जाल में फंसाने के लिए लाखों रुपयों के तोहफे दिए थे। इस सच का खुलासा खुद सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी के सामने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के सामने सुकेश चंद्रशेखर ने इन तीनों ही अभिनेत्रियों के नाम लिए हैं। सुकेश ने ईडी के सामने खुलासा किया है कि बीते साल 21 मई 2021 को उसने पहली बार सारा अली खान से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क साधा था। महाठग ने सारा को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगी गाड़ी तोहफे में देने की बात कही थी, हालांकि सारा की तरफ से उन्हें खास रिस्पांस नहीं मिला था। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी एसोसिएट पिंकी ईरानी के जरिए सारा से बार बार संपर्क साधने की कोशिश की थी। वहीं सारा अली खान ने ईडी को लिखे लेटर में बताया है कि वो बार बार महाठग से गिफ्ट्स लेने से इनकार करती रही थी। बाद में सुकेश ने सारा को एक चॉकलेट बॉक्स के साथ फ्रैंक मलर की घड़ी तोहफे के तौर पर दी थी। बता दें कि भारत में उस घड़ी की कीमत लाखों रुपयों में है। वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने जाह्नवी कपूर को भी अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी ही चाल चली थी। सुकेश ने पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए जाह्नवी को टारगेट पर लिया था। बेंगलुरु में इनके सैलून को इनोग्रेट करने के लिए गई जाह्नवी को सुकेश की पत्नी ने पूरे 18.94 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए थे। इसके साथ ही लीना की मां ने जाह्नवी को क्रिश्चियन डियोर का टोट बैग भी गिफ्ट किया था। भूमि पेडनेकर को भी सुकेश चंद्रशेखर और पिंकी रानी ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने एक मीडिया हाउस के मालिक के तौर पर भूमि से संपर्क साधा था। हालांकि ईडी के सामने भूमि ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें सुकेश की तरफ से कोई तोहफा नहीं मिला था। भले ही भूमि पेडनेकर महाठग के जाल में फंसने से बाल बाल बची हों, लेकिन सबसे ज्यादा फजीहत तो नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की हुई है। ईडी जांच में खुलासा हुआ था कि नौरा को सुकेश ने बीएमडब्ल्यू गाड़ी गिफ्ट की थी, तो वहीं जैकलिन के साथ तो सुकेश के रोमांटिक रिश्तों का खुलासा हो चुका है। महाठग ने जैकलिन पर करोड़ों रुपयों के गिफ्ट्स लुटाए थे। सुकेश ने जैकलिन को टिफनी की डायमंड रिंग के अलावा महंगे बैग्स, जूते, घड़ियां, एसेसरीज, हॉर्स हार्नेस और सैंडल गिफ्ट किए थे। साथ ही एक घोड़ा और चार बिल्लियां भी जैकलिन को सुकेश ने तोहफे में दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।